जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद GTL के बारे में बात होने जा रही है, समझने का प्रयास करेंगे तकरीबन साल भर में स्टॉक कहाँ तक पहुँचे और अगले एक साल की नज़रिए यदि अपनाएं तो अगले एक साल में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। इसी मेन मुद्दे को पकड़कर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। प्राइस देखेंगे 75 पैसे के आसपास ये भी आपको घूमते हुए नजर आएगा और क्योंकि मार्केट बंद है तो इसमें कोई मोमेंट आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। काम के बारे में बात करें तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है आपको पता है कि ये बिजनेस प्रोवाइड कराता है टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को। बेसिकली टावर इंस्टॉलेशन का इस कंपनी का काम है, अलग अलग कंपनियों के लिए टावर इंस्टॉल करने का काम ये करता है। अब जब 5G आया तो ये खबर आई थी कि 5G की बदौलत इस 5G कंपनी को टावर लगाएगा, नए नए इसको ऑर्डर मिलेंगे तो इसके काम में तेजी आएगी। काम में तेजी देखिए आने की बात कब है, जब कंपनी का मैनेजमेंट जोश में हो, मैनेजमेंट चाहे कि कंपनी को आगे लेके जाएं। मैनेजमेंट यदि सुस्त पड़ा हुआ है तो कंपनी के शेयर प्राइस में सुस्त पड़ा हुआ ही आपको दिखेगा। इसके बारे में खैर आगे बात करेंगे, मेन मेन जो पॉइंट है उसको फिलहाल डिस्कस करते हुए चलते हैं। अभी काम के बारे में बात होगी, फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल में सबसे पहले यदि मार्केट कैप की बात करें तो आपको 950 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप दिखेगा। आपको मार्केट कैप के हिसाब से तो लगेगा कंपनी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि है पेनी स्टॉक ही। शेयर प्राइस देखेंगे तो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये थोड़ी बहुत अच्छी बात हो सकती है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि खुश होने की जरूरत, क्योंकि बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में है। बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि कंपनी डूब जाती है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कुछ रुपया नहीं मिलेगा। वहीं इसके अलावा कंपनी के ROE और ROC दोनों की बात करें, देखेंगे ROC देखेंगे तो माइनस में हो, चूँकि ROE का कुछ पता नहीं तो स्पष्ट कह नहीं सकते, लेकिन चूँकि कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में हो, शेयर प्राइस इतना कम है तो ROE भी कोई पॉजिटिव में नहीं होगा और कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी में साल भर में कुछ कमा के कंपनी आपको दे दे। अब आप कहेंगे मैं सिर्फ इसकी नेगेटिव नेगेटिव बातें ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों जो एक्चुअल बात है वो आपको जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब चलिए कंपनी के एक साल के चार्ट पर आपको लेकर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं एक साल के चार्ट के बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि कंपनी के शेयर प्राइस में क्या चल रहा है। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि फरवरी से तकरीबन देखेंगे तो जब इस लेवल को तोड़कर, ये जो 1 रुपये का लेवल है इसको भी तोड़कर प्राइस डाउन आ गया था, और उसके बाद से देखें मार्च से तो तकरीबन इस स्टॉक का प्राइस इसी लेवल पर 80 पैसा के लेवल पर, मतलब कह सकते हैं कि ये 85 पैसा से लेके ये नीचे 70 पैसा इसी के बीच में आपको घूमते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से देखेंगे तकरीबन मार्च से लेकर अभी जुलाई खत्म होने को इतना दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और आपको पता है कि कोई भी स्टॉक ज़्यादा दिनों तक कंसोलिडेशन रेंज में नहीं रहता, उसे बाहर निकलता है। सवाल है कि बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा प्राइस कि नीचे आएगा, तो इसके लिए कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स को भी देखने होते हैं। जैसा आपको पता है कंपनी का फंडामेंटल ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर है, और यदि कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आते हैं, क्वार्टर के नंबर भी काफ़ी डाउन आ रहे हैं, तो उसकी बदौलत यदि इस कंसोलिडेशन से जब स्टॉक बाहर निकलेगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी देख लेते हैं। क्वार्टर के नंबर जो अभी हाल के दिनों में आए हैं और अभी कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, अभी क्वार्टर वन के नंबर आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो इसका जो प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पर मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करते हैं, तो देखिए अभी मार्च क्वार्टर में देखेंगे तकरीबन 378 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में आपको बातें बताई कंपनी को नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं टावर इंस्टॉलेशन के, या कंपनी जो भी बिजनेस करती है उस बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ये सेल्स के माध्यम से पता चल रहा है। वहीं पर दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे हैं, वो भी देखेंगे तो आपको कम होते हुए दिखे। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें कि सेल्स और एक्सपेंसेस ठीक है तो क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है, तो देखिए प्रॉफिट आपको नहीं है, कंपनी आप काफ़ी दिनों से लॉस में ही है। लॉस देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, लॉस कंपनी के कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यही मेन वजह है कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस में आपको तेजी होते हुए नहीं दिख रही है। देखिए क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा इतना अधिक है कि कंपनी जो कमा रही है वो डेब्ट चुकाने में चला जा रहा है, इस वजह से कंपनी के लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं। और जब एक अब देखें जैसे मैंने बताया कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुड वर्क हो रहा है, और जब गुड वर्क हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी प्रॉफिट में हो जाएगा, और बस प्रॉफिट में आने की देरी, एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो उसके बाद शेयर प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा, उसमें आपको देरी नहीं लगेगी। तो देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बात स्पष्ट है कि कंपनी को प्रॉफिट भर में आने की देरी है, प्रॉफिट में जब कंपनी आ जाएगी उसके बाद GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, लॉस हो रहा है तो बाहर निकल सकते हैं, जब इसमें अच्छे दिन आते हुए दिखेंगे तो फिर से आप लौट सकते हैं। नया व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि न्यू लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से ये कंपनी अभी सही नहीं है।
उम्मीद करता हूँ उसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताया अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है शंका है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।